हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार कपूर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 ऑफ चैप्टर ट्रायंगल क्लास 9। देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद एबी इज इक्वल टू एसी, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक एबीसी ट्रायंगल है, आइसोसेलस है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, और एक एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ड्रॉ करो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। वैसे ना हमें पता होता है कि ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के, लेकिन ये किसी और तरीके से प्रूव करने को बोल रहा है। तो मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए बेटा, एक तो एपीबी या एबीपी बोल लो, एंड ट्रायंगल एसीपी, एसीपी। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एबी इज इक्वल टू एसी गिवन है बेटा, और एपी एपी कॉमन, एंड एंगल एबी एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीपी बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंस कंडीशन। देखो ना, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। और यही तो हमको प्रूव करना था। देखो, बात समझे कि नहीं समझे, तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की हेल्प से भी हमने इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। थैंक यू बच्चों।